नमस्कार, आप देख रहे हैं मनोधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारु कौशिक। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने एक अभिनय पहल करते हुए एक अच्छी शुरुआत की है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति विकलांग व 80 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं और जो पोलिंग बूथ तक जाने में असमर्थ है, उनके घर पर जाकर उनसे वोट घर पर ही डाले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान में उपचुनाव में सबसे पहले इसका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचने वाले मतदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। देनोग घड़ियाली के उमेद नगर में पानी की गंभीर समस्या है। पिछले ढाई महीने से जलापूर्ति ठप होने के कारण ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीण राम सिंह ने बताया कि पिछले दो महीने से जलापूर्ति बंद होने से पशुओं व मवेशियों को निराश होकर घर वापस लौटना पड़ता है। वहीं कई पशु पानी नहीं मिलने से दम तोड़ रहे हैं। कई विभागीय अधिकारियों को अवगत भी करवाया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने आज हिंगोनिया गौशाला में औचक निरीक्षण के दौरान सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पोल का जब हाथ लगाकर निरीक्षण किया, तब भ्रष्टाचार के पोल की पोल खुल गई। इससे नाराज महापौर ने अधिकारियों के इस कार्य की जांच के आदेश दिए। महापौर ने बताया कि हिंगोनिया गौशाला परिसर व उसके आसपास 270 सौर ऊर्जा पोल एलईडी लाइट लगाने का टेंडर हुआ था। टेंडर की शर्तों में पोल को जमीन से 3 फीट गहराई में गड्ढा खोदकर और ऊपर से सीमेंट की पक्की फाउंडेशन बनानी थी, पर जब मौके पर देखा तो पोल की गहराई 1 से 1.5 फीट ही पाई गई और रॉ मटेरियल भी घटिया क्वालिटी का पाया गया। जब पोल को हाथ से तेज धक्का दिया तो पोल उखड़ कर जमीन से बाहर आ गया। महापौर ने बताया कि लाइट की कीमत 36,300 निर्धारित की गई है। इसमें तमाम खर्चे सम्मिलित हैं। शर्तों के मुताबिक पोल का वजन 60 किलो निर्धारित किया है। जब पोल का मौके पर वजन किया गया तो पोल 44 किलो का ही पाया गया। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पशु नियंत्रण एवं संरक्षण समिति के चेयरमैन अरुण वर्मा, वार्ड 49 के पार्षद सुरेश कुमार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व सामाजिक न्याय संगठन की महासचिव मनोज कुमार टाक उपस्थित रहे। जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की जोनल कार्यकारिणी के चुनाव में रामकिशोर मीणा मंडल महामंत्री को जोनल उपाध्यक्ष चुना गया और लोकेश नारक को जोनल कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के जोनल उपाध्यक्ष मुकुट बिहारी मीना, गार्ड SC वर्मा, युधिष्ठिर तिवारी, रविंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, बनवारी लाल मीना, अजीत जोशी, टीकम बंसी लाल सहित अन्य कर्मचारी ने खुशी जाहिर की। बांसवाड़ा रतलाम सड़क मार्ग के पास शहर कोतवाली क्षेत्र में टोल नाका पड़ता है, जहां बांसवाड़ा शहर के खांडू कॉलोनी इलाके से जैन समाज जन के व्यापारी रोजाना आना जाना करते हैं। सड़क मार्ग आमापुरा थाना क्षेत्र के तहसील मुख्यालय पर उन सभी व्यापारियों की अलग अलग दुकानें हैं, इसलिए रोज वहां से व्यापार करने आना जाना करते हैं, तो व्यापारी दादागिरी करते हुए कार उठाकर ले जाते हैं और टोल नहीं देते। मामला इस प्रकार रहा कि इनके पास बनाने के लिए टोल कर्मी पहले 600 रुपए लेते थे, लेकिन अब 800 टोल नाका हो गया है। पास बनवाने के लिए कहा गया, लेकिन व्यापारी गुस्सा हो गए, बैरियर फेंक दिया और उनके साथ मारपीट धक्का मुक्की करने लगे। तो वहीं पीड़ित टोल कर्मी सूरज भान ने बताया कि मुझे नाक से अगवा कर लिया और कार में जबरन अपहरण कर ले जा रहे थे। कार खड़ी करी तो कुछ लोगों ने मुझे कार से बाहर निकाला। इस मामले को लेकर तत्काल कल शाम को पुलिस को रिपोर्ट दी थी, तो वहीं शहर कोतवाल मोतीलाल सारण ने बताया कि शहर में ऐसी घटना हुई थी और इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जयपुर विकास प्राधिकरण के परिवर्तन दस्ते द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए JD स्वामित्व की करीब 1 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। निजी खातेदारी करीब 4 बीघा भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मुख्य नियंत्रक परिवर्तन ने बताया कि जोन 14 के क्षेत्राधिकार पदमपुरा रोड के पास 1 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर सीमेंट के पिलर लगाकर की गई तारबंदी इत्यादि अतिक्रमणों को जोन के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर परिवर्तन दस्ते द्वारा JCB मशीनों व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर JD स्वामित्व की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। ग्राम वाटिका के पास अवस्थित कुमारी आवास रोड पर करीब 4 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल सड़क व प्लाटों के डिमार्केशन के लिए लगाई गई मुड़ियों को जोन के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर परिवर्तन दस्ते द्वारा JCB मशीनों व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर JD स्वामित्व की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनोधर बुलेटिन। नमस्कार।